अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मजे में है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और प्लांट्स को पानी देने से मेरी मॉर्निंग का स्टार्ट हो रहा है और इन पे थोड़े से फ्लावर्स थे लेकिन अब माशाल्लाह ज्यादा ज्यादा फ्लावर्स लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्लांट्स जो है ये अच्छे चल पड़े हैं। तो ब्रेकफास्ट में बना रही थी बच्चों के लिए स्मोक टर्की ब्रेस्ट लेके आई हुई थी। इनको बहुत पसंद है टर्की मीट, तो इसलिए जब भी मैं कारफोर जाऊँ खुद से तो मैं जरूर ले आती हूँ। हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करती क्योंकि पता नहीं है कि क्या एक्सपायरी होगी, तो हम लोग खुद जाएं तो फिर जरा अच्छी एक्सपायरी देख के प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो वो मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मेयो, लाइट मेयोनेज हम यूज करते हैं, थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया है, थोड़ी सी केचप, और बस ये बच्चों के सैंडविच तैयार हो गए हैं। तिहामी मिशारी दोनों को बहुत ज्यादा पसंद है। मिशारी के लिए जो है वो मैंने दो रखे हैं स्लाइसेस, और तिहामी के लिए 3 से 4 स्लाइसेस रख देती होती हूँ अक्सर, लेकिन यह कि तिहामी को अभी इतनी ज्यादा भूख नहीं थी तो जस्ट 3 मैंने रख दिए थे, तो काफी होता है, पेट भर जाता है बच्चों का। यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने साथ में फ्रूट में स्ट्रॉबेरीज और रख दी थी ब्लूबेरीज। आजकल बेरीज का सीजन इन है और हम इसका मैक्सिमम यूज करें। अभी मैं आपसे कुछ दिनों में जैम भी इसका या कोई प्रिजर्व वगैरह फ्रूट के शेयर करूंगी। अपने लिए भी मैं यूज कर रही हूँ फ्रूट ही, और साथ में डेयरी जो है वो इसका इंटेक मेरा काफी कम हो जाता है। ना मुझे दूध पीना याद रहता है, ना मुझे योगर्ट खाना याद रहता है, तो मैं अब ब्रेकफास्ट में अक्सर योगर्ट ले लेती हूँ। ओट्स जो है ना, इनको मैंने ड्राई रोस्ट किया होता है, यानी कि जस्ट विदाउट ऑयल मैं टोस्ट कर देती हूँ इनको अच्छे से। जब ये ब्राउन हो जाते हैं गोल्डन से तो फिर मैं इनको यूज करती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हीं से मैं ग्रेनोला भी बनाती हूँ। तो ये मैंने थोड़े से डाल दिए हैं, साथ में मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज, और थोड़ा सा ये मैंने इसमें जैम डाल दिया क्योंकि मैं नॉर्मली शुगर फ्री जैम लाती हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे मैं नॉर्मल जैम ले आई, तो अब मैं ध्यान से खाती हूँ बहुत थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि ये नहीं है कि मैं बिल्कुल शुगर नहीं खाती, लेकिन बाकी दिन में कुछ ना कुछ कभी दिल कर है तो फिर ऐसी चीजों में जरा कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, साथ में मैं शहजाद से बनवा लूंगी चाय। जितनी देर में शहजाद चाय बना रहे थे मैंने सोचा कि मैं ये जो स्ट्रॉबेरीज हैं इनके स्टेम्स रिमूव कर देती हूँ और इनको अच्छे से टिश्यू में रख लेती हूँ, क्योंकि मैंने इनको कल रात में वॉश किया था। अगर वॉश करके ना बगैर अच्छे से ड्रेन किए अगर आप रख देते हैं फ्रूट को, तो स्पेशली बेरीज, तो वो भी गलना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने टिश्यूज जल्दी से नीचे रखे हैं और इनको, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। मेरा तो जबरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, इतना फुलफिलिंग होता है कि इसके खाने के बाद ना काफी देर 2-3 घंटे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती और सुकून से मैं वाटर इनटेक अपना कर सकती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और सारे जो बर्तन थे डिश वॉशर में, और फिर साथ में जो हैंड वॉशिंग की होती है बर्तनों की, वो मैंने सोचा कि वापस रख देती, क्योंकि जब किचन बिल्कुल एम्प्टी होता है ना, क्लीन होता है, तो उस वक्त फिर कुकिंग करने का भी मजा आता है, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग वाली कुकिंग होती है ना जिसमें आपने सब कुछ फिल्म करना होता है, उसमें काफी मेस हो जाता है, तो बेहतर है कि पहले किचन अच्छी तरह से क्लीन हो। साथ में मैंने ये ले लिए हैं राइस, और राइस को मैं वॉश कर लूंगी और इसमें पानी जरा मैं थोड़ा सा ज्यादा डालूंगी क्योंकि मुझे थोड़े से स्टिकी राइस बनाने हैं। तो 2 कप मैंने राइस लिए हैं और इसमें मैं 4 कप की बजाय, मतलब नॉर्मली मैं 3.5 कप पानी डालती हूँ, तो या फिर कभी कभी 3 कप्स, लेकिन अभी जो है मैं 5 कप वाटर डालूंगी इसमें, क्योंकि आगे जो मैं एग रोल बनाने जा रही हूँ उनके लिए मुझे स्टिकी राइस चाहिए। मेरे राइस कुकर में एक अल्ट्रा क्विक कुक का ऑप्शन आता है, ये भी एक वैसे टंग ट्विस्टर है, अल्ट्रा क्विक कुक। तो वो उसमें जो है ना वो 30 से 40 मिनट्स के दरमियान में राइस हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि राइस कितने कप हैं। तो ये मेरे लिए सबसे इजी रहता है कि मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहती है कि अब पानी ड्रेन करना है, अब बास्केट भी धोनी पड़ेगी, अब पतीली भी धोनी पड़ेगी, बस एक वही है जो उसका अपना कंटेनर है जिसमें मैंने डाल के राइस कुक होने के लिए रखती है। उतनी देर में हम वेजिटेबल्स वगैरह की चॉपिंग कर लेंगे जो जो ज़रूरी है। मैं बना रही थी जी, एक तरफ बैंगन बना रही थी और एक तरफ मैंने बनाना था आलू कीमा का सालन। तो जो बैंगन है ना, पहले मेरा प्लान था कि उसमें मैं डालूं पोटैटोस, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, कीमा भी मैंने निकाल के बाहर रखा हुआ, बनाना तो मैंने कुछ और था उससे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसे आलू कीमा बना लेती हूँ, जरा जल्दी बन जाएगा, और जो दूसरी डिश है वो मैं बाद में बना लूंगी।
एक्चुअली क्या होता है कि आजकल जो है ना छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों में आना जाना एक दूसरे के घरों में लगा रहता है, लेकिन अब वो है कि दावतें वगैरह जब स्पेशल हो ना मेरे घर में, तो सिर्फ मैं वही दिखाती हूँ, अदरवाइज जो रूटीन का मिलना जुलना है। ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग सारों के साथ ही, सऊदी अरब में भी वैसे इसी तरह ही था हमारे मिलने जुलने वालों के साथ, यहाँ पे भी ऐसे ही है कि एक दूसरे के घरों में जाते हैं ना, तो बजाय ये कि स्नैक्स आगे रख दीजिए चाय के साथ, तो ये होता है डायरेक्ट खाना खा लेते हैं एक दूसरे के घर में, तो वो भी जो भी घर में पका होता है ना बहुत कंफर्टेबली बहुत कैजुअली एक दूसरे के घर हम लोग खाना खा लेते हैं, तो वो फिर मैं वीडियोस शेयर नहीं करती क्योंकि जो जस्ट नॉर्मल रेगुलर खाना बना होता है। तो एनीवेज ये जो कीमा है ये भी इसी चक्कर में निकाला हुआ था कि किसी ने हमारे घर आना था, तो मैंने सोचा था एक एक्स्ट्रा रेसिपी बना के रख दूँ, फ्रीज कर लूँ जैसे कबाब वगैरह होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उन लोगों का प्लान हट गया, तो फिर मेरा भी प्लान हट गया, तो वो भी मैंने सोचा कि आलू कीमा बना लेते हैं। तो साथ में ये बैंगन पड़े हुए थे और मैंने सोचा कि इन बैंगन जो है ना ये क्वान्टिटी में ज्यादा आ गए थे क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, तो फिर मैंने सोचा कि बैंगन जो है ना सादे बना लेती हूँ। बैंगन की भी स्टोरी बहुत अजीब है कि अब हम लोग हमेशा एक अरसा ही हो गया है, पहले भी सऊदी अरब में रहते थे बचपन में, अब भी यहीं रहते हैं, तो कभी मतलब ये आदत हुई नहीं कि 1 किलो आधा किलो सामान लेने की, जितना मतलब आई बॉल कर लेते हैं जाके कि अगर 4 बैंगन चाहिए 3 बैंगन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली क्वांटिटी वो लोग वे करके मेंशन कर देते हैं, प्राइस और स्टिकर लगा देते हैं, तो मुझे आइडिया ही नहीं है कि आधा किलो में कितने बैंगन आएंगे 1 किलो में कितने, तो जब ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ ना तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम आ जाता है कि 1 किलो बैंगन लिखे थे तो ढेर सारे आ गए थे। एनीवेज यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट करने के बाद इसमें नमक मिर्च और हल्दी और उसके अलावा गरम मसाला और जीरा पाउडर डाला था, और धनिया पाउडर मैंने बैंगन में नहीं डाला, तो बाकी ये है कि फिर उसके बाद मैंने 1 मिनट के लिए सौते किया है और इसके अंदर मैंने ये बैंगन डाल दिए हैं, थोड़ा सा साथ में पानी भी डाल दूंगी और इसको हल्की आग पे रख दूंगी, पानी सिर्फ इसलिए कि इनको सॉफ्टन करने में हेल्प करेंगे और जल्दी जल्दी जो है ना वो जब बैंगन पानी छोड़ेंगे तो फिर इनका वॉल्यूम जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे मैं अब आलू कीमा जो है वो बनाने लगी हूँ और उसके लिए भी मैंने प्याज ऑयल में डाल दिए हैं और बस इसको मैं सौते कर लूंगी, प्याज थोड़े से सॉफ्ट करूंगी बस गोल्डन नहीं करूंगी क्योंकि कीमा मुझे डार्क कलर का अच्छा नहीं लगता, तो फिर उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है और साथ में इसमें थोड़ा सा ये टोमेटो पेस्ट जाएगा। इसमें बिल्कुल भी आप ये टोमेटो पेस्ट स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, डालनी ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास टमाटर हैं तो आप वही डाल सकते हैं, बल्कि ज़्यादातर तो वही डाले जाते हैं, मैं इसमें अक्सर टोमेटो प्यूरे डाल के बनाती हूँ। तो नमक डाली है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, साथ में मैंने हल्दी डाली है और साथ में ये मेरे पास जो कीमा पड़ा हुआ था चिकन का मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। फ्रोजन जो कीमा है ना वो एक तो अल कबीर का अच्छा रहता है और दूसरा जो उससे भी ज्यादा अच्छा है ना वो फार्म फ्रेश का कीमा है, अगर आपको वो मिल रहा है ना तो वो जरूर यूज करके देखें। तो यहाँ पे जस्ट इसको मैं भुनाई कर रही हूँ, चिकन का कीमा है तो इसलिए इतनी ज्यादा भुनाई की भी जरूरत नहीं पड़ती, जब रॉ स्मेल खत्म हो जाए कीमे की तो फिर बस आप ढक्कन लगा के उसे पकने के लिए रख सकते हैं। उतनी देर में ये जो बैंगन है ये सॉफ्ट हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम इनका भी रिड्यूस हो रहा है, तो ये कीमा मैंने अच्छी तरह से भुना है और ये देखें ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया है और पानी डाल के भी मैंने इसे थोड़ा सा पकाया था। अब उसके बाद मैंने इसको अच्छे से भून लूंगी आलू डालने के बाद और हरी मिर्चें डालने के बाद, अब थोड़ा सा पानी डाल के बस इसको हल्की आग पे रख दूंगी कि आलू खुद ब खुद गल जाए, तो बस कीमा रेडी हो जाएगा। यहाँ पे ये बैंगन भी रेडी हो गए हैं, बैंगन जो है ना मुझे भुने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से मैं उनके पीसेस या स्लाइसेस जो है ना इंटैक्ट नहीं रहने देती, अच्छी तरह से मैं इनको चम्मच से तोड़ती हूँ और अच्छी तरह से बैंगन भूनती हूँ, तो फिर बहुत मजे के लगते हैं। एक बैंगन अच्छे लगते हैं इस तरह ज्यादा भुने हुए वेजिटेबल्स में, और एक करेले जो है ना वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, और जो मेरे अब्बू है ना उनको भिंडी भी, वो हमेशा बोलते हैं कि मुझे माइक्रोवेव में गर्म करके ना दो, करेले और भिंडी जो है ना मुझे तवे पे चूल्हे पे गर्म करके दो, तो वो उनको उस तरह भिंडी भी इवन बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दी थी थोड़ी सी हरी मिर्चें और धनिया, और साथ में धनिया और हरी मिर्चें ही जो है वो आलू कीमा के ऊपर भी चली जाएंगी। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है जी जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, तो बस ये डन हो गया। इसकी रेसिपी मैं स्पेशली नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये तो आप देख सकते हैं और आपको उसी से आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या मैंने इसमें डाला है। तो ये जो लेट लंच था इस टाइम पे किसी को भी भूख नहीं लगी हुई थी क्योंकि बच्चों ने जो है वो बीच में लबन वगैरह थे हामी पी लेता अक्सर, तो उससे इतना पेट भर लेता, उसे बहुत पसंद है, लेकिन ऑब्वियसली एक हेल्दी चीज़ है, तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, वो पूरा मग भर के पीता है और फिर कहता है मम्मा अभी मुझे लंच टाइम पर भूख नहीं है, तो खैर जिस टाइम पर भूख होती है फिर दे देती हूँ। छुट्टियाँ हैं तो बच्चों को मैं तंग नहीं कर रही कि बस एक रूटीन पे ही रहो और कैडेट लाइफ गुजारने का बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, तो स्कूल में ऑटोमेटिकली वो फिर आर्मी लाइफ ही हो जाती है बच्चों की। तो उसके बाद फ्री होने के बाद मैंने
सोचा कि मैं ना ये जो मेरे पास थोड़ा सा बिल्कुल लेंटिल सूप पड़ा हुआ था, तो 2 से 3 दिन तक मैं मैक्सिमम जो है ना खाना यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा फ्रिज माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है। वैसे तो मैंने देखा है कि कोई चीज़ 6-7 डेज तक भी रह जाए तो ख़राब नहीं होती, लेकिन अपने आप को तसल्ली नहीं होती, तो 3 दिनों के अंदर अंदर जो है ना मैं फ्रिज आइटम्स यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि इसका जो है वो बना लेते हैं, आटा गूंद लेते हैं, और मैंने इसमें डाली हैं फ्रोज़न हरी मिर्चें हैं मेरे पास, और साथ में ये थोड़ी सी मेथी डाल दिया मैंने, और साथ में इसमें मैं ये लेंटिल सूप जो है वो उसको मैंने मैश कर लिया था, इसमें पोटैटोज और कैरेट्स थी तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। साथ में मैं इसमें डाल दूंगी नमक, आप लाल मिर्च वगैरह जो भी आपने डालना हो आप साथ में ऐड कर सकते हैं। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आप जो है ना वो इसमें पानी ना डालें, दाल में सारा आटा गूंद जाए तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन इतनी थोड़ी दाल थी कि 4 लोगों के लिए पराठे नहीं बनने थे, तो फिर मैंने पानी डाल के थोड़ा सा इसको गूंद लिया। इसको अब हम रख देंगे फ्रिज में, किसी भी कंटेनर में डाल के। मेरे पास अभी तक आई किया कि कंटेनर्स हैं ये बेस्ट रहते हैं, और मैं सोच रही थी किसी दिन और ऑर्डर कर लूँ तो ये मंगवा लूँ। ये माइक्रोवेव सेफ भी होते हैं और काफ़ी साल से ज़्यादा ही हो गया तो बिल्कुल इनके ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं आते, बहुत ही अच्छे चलते हैं कंटेनर्स। उसके बाद एक और मुझे काम था, और वो काम ये था कि मैंने ये जो आलू कीमा था ना, मैंने सोचा कि इसको भी नेक्स्ट डे जो है ना डिफरेंट वे में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जस्ट एक कीमे का पैकेट था, 400 ग्राम्स कीमा था, तो वो नेक्स्ट डे इतना नहीं था कि सारे खा सकें। तो खैर, तो मैंने सोचा कि डिफरेंट आइडिया कर लेते हैं, कुछ 2-3 चीज़ें मिल के बना लेंगे तो फिर साथ में ये कीमा भी जो है वो यूज़ हो जाएगा। बॉटल्स जो हैं उनमें ऑयल रीफिल करना रह गया था, और नेक्स्ट डे मैंने पराठे बनाने थे तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह ना, ये जो टाइनी टाइनी से काम होते हैं ना बट टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो वो जो है ना करने का मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, तो अभी मैंने इस काम को भी ख़त्म कर दिया। और अब लास्ट काम, उसके बाद मैं सुकून से बैठ के चाय पीऊंगी और टीवी देख सकूंगी, रात हो चुकी थी। और ये जो मेरे किचन की जो मैट्स थी ना, फ्लोर मैट्स, इनको वॉश करना था तो इनको मैंने वॉशिंग पे लगा दिया था, और फिर बाहर हैंग कर दूंगी स्टैंड पे, ओवरनाइट जो है ये ड्राई हो जाएंगे। ये जी माशाल्लाह से न्यू डे था विद न्यू होप्स, न्यू एस्पिरेशंस, न्यू ड्रीम्स, रात को देखने के बाद फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर दिन जो दिखाते हैं, एक एक दिन करके एज बढ़ती जा रही है, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, और मैं सोचती हूँ कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी क्या मैं तब भी व्लॉग कर पाऊँगी, जब मेरा फेस झुर्रियों से भरा होगा, मेरे हाथ झुर्रियों से भरे होंगे तो मैं व्लॉग करूँगी, लेकिन मैं करती रहूँगी, जब तक मेरे में स्टेमिना होगा मैं ज़रूर करूँगी, आप सबको अपने साथ लेके अपना जर्नी दिखाऊँगी जब तक कर सकी। एनीवेज, यहाँ पे जनाब ये जो स्पूकी फ्लिकरिंग लाइट्स आपको नजर आ रही हैं, ये जो मेरी किचन की लाइट्स हैं, इन्होंने काम करने से रिफ्यूज कर दिया था। और मैं सोची थी कि मैं शिदात को मैंने बोला कि शिदात पता नहीं रिकॉर्डिंग में किस तरह के ये फिर क्लिप बनेगा, मैं ऐड भी कर सकूंगी या नहीं, तो वो फौरन उनका ये होता है ना बनाओ बाहर से मंगवा लेते हैं, तो इतने हैवी पराठे होते हैं जो कि बाहर से अक्सर मंगवाते हैं, मैं खा तो लेती हूँ कभी कभी लेकिन बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो बहरहाल यहाँ पे अब मेरे पास काउंटर टॉप बड़ा है तो मैं आराम से घर पे बना लेती हूँ, तो मैंने सोचा कि जैसी भी लाइट आती है ना जनाब मैं तो बनाने लगी हूँ। तो खैर, और खुशी की बात यह है कि मैंने एक दिन पहले बॉटल्स फिल कर ली थी, तो सुस्ती के मारे मुझे सुबह सुबह इतना ज़्यादा छोटे छोटे काम जो है ना नहीं होते हैं, तो आराम से फिर मैंने पराठे जो है ना वो बना लिए थे। हरी मिर्चों का लोगों ने पूछा था कि फ्रीज करके जो है वो सही रहती हैं, बिल्कुल सही रहती हैं, आप किसी चीज़ पे गार्निश नहीं कर सकते क्योंकि ज़रा डिफ्रॉस्ट होंगी तो वो ज़रा थोड़ी सी सॉगी सी हो जाएंगी, तो लेकिन यह कि आप इस तरह से पराठे में डालिए, आप किसी भी कुकिंग में डाल सकते हैं। तो तिहामी को मैंने पहले ही दे दिया था पराठा बना के योगर्ट के साथ, उसने खा लिया था, और ये शहजाद अपने जो है ना रिव्यूज़ दे रहे हैं, और अब हम लोग नाश्ता करें और मिशी को लास्ट में कराएंगे। मज़े के लगते हैं दाल के पराठे, ये वो लेंटिल सूप। अच्छा अच्छा, बाकी ये वो पराठे हैं जो बाहर जाके बैठे खाए बंदा जो है, वो अभी वही मैंने देखा ना बाहर मौसम, तो मैं दिन क्या गरम गरम है तो लेके बंदा भाग के बाहर जाए फॉइल में लपेटे जाके बैठ के चाय पीना शुरू कर देना पराठे खाए। सोप डिस्पेंसर भी मैं फिल कर रही हूँ क्योंकि जब उसमें थोड़ा सा रह जाता है ना तो मैं उसी को यूज़ करती हूँ, फिर एक बार मैं इसको वॉश करके ड्राई करती हूँ, फिर उसके बाद उसके अंदर नया सोप डालती हूँ, तो ये जो है बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इससे बहुत कम सोप यूज़ होता है, और ये जो स्पंज होता है इसको भी रखने की एक जगह मिल जाती है।
तो ये जो ड्राई हो गई थी मेरी मैट्स भी, इनको भी मैंने सबसे पहले डाल लिया था क्योंकि बहुत लाइफ आसान रहती है अगर मैट्स होती है ना नीचे, तो कोई ऑयल की अगर छींटे वगैरह उड़ रही होती है कुकिंग करते हुए तो वो भी पूरा फ्लोर जो है ना वो स्लिपरी सा, और स्लिपरी तो खैर नहीं होता लेकिन फ्लोर पे मार्क्स नजर आते हैं कि यहाँ पे ऑयल की छींट गिरी थी और बच्चे नंगे पाँव चलते रहते हैं। एनी वेज तो यहाँ पे जो है ना मैंने क्या किया कि अंडा एक मैंने बीट किया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा बस ऐसे नमक डाल दिया था और बारीक सा मैं उसका जो है ना वो क्या कहते हैं कि रोटी टाइप बना के ना, तो मैं उसको अंडे को फ्राई करके तो मैं निकाल रही हूँ। इससे मैंने राइस रोल्स बनाने हैं उसमें कीमा मिक्स करके, तो अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये जो स्टिकी राइस थे लेफ्ट ओवर, क्योंकि कुछ तो बच्चों ने खा लिए थे कल खाने के साथ, ये जो सब्जी थी उसके साथ, तो बाकी जो लेफ्ट ओवर थे मैंने उसको कीमा जो है उसके साथ मिक्स कर दिया है और रोल्स इतने बच जाएंगे कि सारी फैमिली खा ले और पेट भी भर जाए। तो बस इसी तरह अक्सर करती होती हूँ कि लेफ्ट ओवर फूड को ना एक से दो दिनों में यूज़ कर लेती हूँ कुछ इम्प्रोवाइज करके ना, तो उससे फिर ये होता है कि बच्चे शौक से खा लेते हैं। हम बड़ों का क्या है, हम एक सब्जी दो दिन ईजिली खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एनीवेज यहाँ पे जो है ना मैंने इसको स्टिकी इसलिए रखा था राइस को कि अगर खड़े खड़े राइस होंगे ना तो एग बहुत डेलिकेट होता है तो वो फिर इनको रोल नहीं कर पाएगा, सब चीजें बिखरती रहेंगी। अगर आपने इन रोल्स को मजीद वाइब्रेंट बनाना है ना तो आप इसके अंदर जो धनिया है ना वो भी चॉप करके डाल सकते हैं, तो ग्रीन ग्रीन सा कलर नजर आएगा। ये जनाब 2 मिनट में हमारा जो लंच है वो एक आइटम रेडी हो गई है और साथ में मेरे पास ये मैगी का क्रीम ऑफ चिकन सूप पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा ये साथ में बना लेती हूँ। और बस इसके लिए तो बस ये सूप डालना होता है, 2 पैकेट्स डाल रही हूँ और साथ में पानी डाल लूँगी और इसको मैं कुक कर लूँगी अच्छी तरह से। रेडी टू यूज़ होता है तो बस पानी डालना है और बस रेडी हो जाता है। अब मेरे पास ये पड़े हुए थे हॉट डॉग बंस, तो इनको भी मैंने कट कर लिया है थिक स्लाइसेस में और काइंड ऑफ क्रूटॉन्स जो है वो हम बनाएंगे। बटर मैंने जो है ना वो तवा एक लेके उसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया है। इसके ऊपर अब हम ये ब्रेड के पीसेस रख देंगे ताकि बटर को एब्जॉर्ब कर लें और साथ में क्रंची से ब्राउन हो जाए। क्रूटॉन्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल पूरी तरह से क्रंची होते हैं, साइज में भी ज़रा छोटे होते हैं, तो ये मैंने उस टाइप का बनाया, गार्लिक ब्रेड कह लें क्रूटॉन्स कह लें, ये बड़ी अच्छी लगती है सैलड उसके सूप के साथ। मैंने इसके ऊपर गार्लिक पाउडर भी स्प्रिंकल किया और अभी मैं इसके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल कर रही हूँ और ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो ये मैंने गरम गरम निकाल लिए हैं। ठंडे इतने खाने का मज़ा नहीं आता जितने क्रंची क्रंची से बिल्कुल फ्रेश जो है ना, और जो बटर की जो खुशबू होती है ना इनमें आ रही होती है बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी रेडी हो गए हैं और सूप भी ऑलमोस्ट डन हो गया है, बस इसको थोड़ा सा थिक करना है, इसके अंदर ऑलरेडी कॉर्नफ्लावर होता है तो बस पकाना ही होता है। सिर्फ ये कि पानी जो उन्होंने क्वांटिटी लिखी होती है ना उससे थोड़ा सा कम ही डालती हूँ वरना बहुत थिन सूप बनता है। ये हो गया है रेडी और मैं हामी के लिए प्लेट बना के उसको दे देती होती हूँ। आजकल छुट्टियां हैं ना तो कुछ पढ़ने को भी नहीं है तो बस टीवी टीवी देखना है, एक जो है वो बेडरूम में टीवी लगा के बैठ जाता है, एक बाहर टीवी लगा के बैठ जाता है, तो मैं भी देखने देती हूँ क्योंकि हामी की जो है ना वो स्टडी लाइफ इतनी फिर बेचारे की टफ होती है कि उसके पास टाइम नहीं होता। तो हालांकि मेरा दिल चाहता है कि अपने टॉय से खेले कुछ करे इस तरह का, तो टैब तो इतनी ज्यादा मैं देती नहीं हूँ, नाइट में ही मिलती है अब। एनीवेज तो वो तो चला गया था लेके और ये मेरा सूप था और इसके ऊपर मैंने चिली सॉस डाल है और बस मेरा ये लंच जो है वो डन हो गया। शहजाद काम से बाहर गए हुए थे तो उनको तो बाद में ही ये खाना खाना था, तो मैंने सोचा कि मुझे भूख लगी है मैं खा लेती हूँ। इसके ऊपर मैंने केचप डाल दिया, केचप के साथ बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, ऐसे लग रहे थे जैसे समोसे का कीमा नहीं होता उसी तरह से इसका टेस्ट आ रहा था, और लेकिन साथ में ये एग रोल था तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। मेरे बच्चे इस तरह के जो है ना कॉम्बिनेशन और अजीब अजीब सी चीजें बहुत मजे की लगती हैं उनको। और ये मिशारी को सरप्राइज देने के लिए मैंने उसका ये सीपी कप निकाला है और तेहामी का भी ऐसा लिया हुआ है, तो बहुत शौक से बच्चे इसमें आजकल पानी पीना जो छोड़ा हुआ ना, तो अगर आप इस तरह की कोई चीज़ में दे देते हैं तो बच्चे पी लेते हैं शौक से। तो यहाँ पे जो है काफ़ी दिन हो गए थे मैंने ये जो वेपराइजर ये ऑन नहीं किया था तो वो मैंने कर लिया है और अच्छी अच्छी सी खुशबू आ रही थी। किचन मैंने समेट लिया था तो मैंने अपने लिए जनाब बनाई चाय और साथ में थोड़ी सी मैंने रखी डेट्स, क्योंकि खाने के बाद ज़रा 2-3 घंटे हो चुके हुए थे तो थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें टी के साथ डेट्स एंजॉय कर लेते हैं।
साथ में मैं मिशारी को भी लंच करा दूंगी, उसको नाश्ता लेट कराया था, पराठा था, हैवी था, और सुबह उठ के वैसे भी दूध पी लेता है ना, तो फिर थोड़ा लेट नाश्ता करता है और फिर उसके बाद लंच भी लेट होता है, तो ये हम दोनों के लिए अच्छी एक ना वो रूटीन है कि हम लोग अपना खाना भी सुकून से खा लेते हैं, फिर मिशी को खिला लेते हैं, क्योंकि आजकल उसने खुद खाना खाना बिल्कुल छोड़ा हुआ। जब जब बड़े होते हैं बच्चे, नए से नए उनके टेंट्रम्स होते हैं, तो कोई बात नहीं, कब तक मामा बाबा से खाएगा, फिर बड़े होकर खुद ही खाना है, तो चलो हम लाड उठा लेते हैं। What is this? This is vanilla. Oh, my favorite. Your favorite? Yes. You like vanilla? Yes, you want to cut it? Yes. Listen, pull it here. Good job. फिर ये ज़रा रात हो गई थी, रात को खाना खाने का इन लोगों का मूड नहीं था, तो कहते हैं मिशारी के मुझे वॉफल्स बना के दें। मिशारी ने फर्स्ट टाइम कोई फरमाइश की है, तो मैं रुक नहीं पाई और मैं जनाब वॉफल्स बनाने खड़ी होगी रात के 9 बजे। Be careful. Okay. Next leg. Next leg, please. Oh, now we can mix. Yes, now you can mix. Whoa, I can pop an egg. Hmm? Now pop it. Now yeah, you can pop it. Oh, oi. Whoa! This one is nice. Eating waffle. Now you need to mix very carefully, okay? Mm-hmm. Oh, I'm mixing it. I'm mixing it. Be careful. I'm mixing. It's water. Yeah. मिशारी ने हेल्प करा ली और बहुत सारे लम्स बना के तो वो फिर चला गया। तो उसके बाद अब मेरा जो है एक्स्ट्रा वर्कलोड बढ़ गया, तो ये मैं कर लूँ, फिर उसके बाद वॉफल्स भी बन जाएंगे। वॉफल आयन को मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया, साथ ही मैंने स्टार्ट में इसमें ऑयल लगा दिया है, और उसके बाद मैं इसका कवर जो है वो बंद कर दूंगी लिड इसकी, और इसको मैं हीट होने दूंगी। अच्छे से हीट हो गया तो लाइट ऑफ हो जाती है इसकी, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने अमेजोन से मंगवाया था। अगर वो वाला सेम ब्रांड ना अवेलेबल हो तो कोई भी आप मंगवा लें, ये वॉफल मेकर सारे ही अच्छे होते हैं। तो ये इसमें मैंने डाल के बैटर फिर उसको बंद कर दिया था, और बस ये रेडी हो गए वॉफल्स, 3 से 4 मिनट में रेडी हो जाते हैं, बीच में एक बार मैं फ्लिप भी कर देती हूँ। तेहामी भी बचपन में बहुत हेल्प कराने का उसे शौक था, लेकिन अब बड़ा हो गया तो इंटरेस्ट खत्म हो गया हुआ, लेकिन इस तरह के जो काम है ना डेकोरेशन वाले, उसमें उसको मजा बहुत आता है, तो अपने लिए वो वॉफल्स डेकोरेट करने खुद ही आ गया था। और ये मैंने बच्चों की जो है ना वो लेट नाइट क्रेविंग्स जो है वो ख़त्म कर दी हैं, वॉफल्स उनको बना दिए हैं, और मिशारी ने जो है वो व्हिप्ड क्रीम की टॉपिंग डलवाई थी, और तेहामी ने चॉकलेट सिरप की और साथ में थोड़ी सी व्हिप क्रीम, तो साथ में मिशी को मैंने हनी डाल दी थी, क्योंकि जो वॉफल्स होते हैं इसके अंदर कोई एक बस एक चम्मच इसमें जाता है शुगर, तो ये मैं इसकी रेसिपी आपको मैंशन कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो वो इटसेल्फ जो है ना इतने मीठे नहीं होते, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ टॉपिंग जो है वो डालनी होती है। सच बात तो ये है कि लेट नाइट क्रेविंग्स हमें भी हो रही थी, मेरी कोशिश होती है मैं 8 बजे के बाद कुछ ना खाऊं, लेकिन छुट्टियों में तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो रहा है, रात 10 बजे 11 बजे भी खाना पीना चल रहा होता है, तो लेकिन अपने आप को कंफर्ट करने के लिए, सूद करने के लिए, क्योंकि अब किचन का कोई काम नहीं था, मैं आराम से बैठ सकती थी, तो मैंने बनाई अपने लिए और शहजाद के लिए रोज़ टी। इसमें मैंने रोज़ बड्स डाली हैं, साथ में हिबिस्कस फ्लावर डाला है, हिबिस्कस फ्लावर का अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक कलर होता है, और रोज़ का तो आपको पता ही है। साथ में मैंने इसमें कैंडल डाल दी है स्वीटनर, और अगर मेरे पास होता ना रोज़ वाटर तो वो मैं ज़रूर डालती, उससे तो जो खुशबू आती है चाय में मज़ा आ जाता है, और इतनी इतनी सूदिंग टी होती है ये कि आपको ना मतलब ऐसे लगता है कि सारी थकावट और सारी जो आपकी जो है ना भाग दौड़ वो बस सुकून में आ गया, तो आप ज़रूर ट्राई करें कभी ये बना के। तो एनीवेज मैंने ये जो वॉफल्स हैं इनको कट कर लिया है, इनके ऊपर मैंने चॉकलेट ड्रिजल कर दिया, नेस्ले का चॉकलेट सिरप हमारा मोस्ट फेवरेट है, हर्शी से भी ज़्यादा, और इसके ऊपर मैंने फिर डाल दी हैं स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज और सम मोर चॉकलेट सिरप।
तो ये हमारी वीडियो जो है ना हो जाती है एंड, और हम लोग अपना फूड एंजॉय करने लगे हैं, साथ साथ हम लोग मूवीज लगा लेते हैं। नेटफ्लिक्स हमने बीच में सब्सक्रिप्शन खत्म कर दी थी पाकिस्तान जाने के लिए, तो अभी वापस आए हैं तो हमने फिर से ले लिया है, तो नेटफ्लिक्स चलता रहता है आजकल। तो बस इसके साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। प्लीज जरूर लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा मेरे चैनल के लिए। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे अपने रूटीन्स के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।